गाइस टेम्परेरी गाड़ी को सब 200 का ब्रेक है, बहुत जल्दी खींच। बाय डैडी। नंबर प्लेट से याद आया गाइस, गाड़ी पे क्या नंबर लेना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। पहले दिन में हमने प्रॉमिस करा था कि हम पानी में डुबकी लगाएंगे, अब लगाने वाले डुबकी। मैं इसको भी कन्विंस कर रहा हूँ भाई, धूप इसको लग रही है अभी ना, इसको पानी का थोड़ा टेस्ट करा दे। देख आते कितना ठंडा पानी भाई, मजेदार। चेक तो कर ले। 2 घंटे बाद सबने अपना ब्रश कर लिया है, खाना सबका नीचे आ चुका है, गंगा जी में स्नान। जय गंगा जी। यार ये सब तो कपड़े पहन के कर रहे हैं, मैं तो बिना कपड़े करूंगा तो ठंडी ठंडी हवा लग। अच्छा होए होए क्या चेन पकड़ पहले कर। बहुत स्लिपरी है। चेन पकड़ जल्दी कर भाई, पापा रिजल्ट सोचते हैं। तो चेन पकड़ जल्दी कर भाई, पापा रिजल्ट सोचते हैं। हो गया और कितनी मारनी है कशे, चेन पकड़ ले। जय गंगे मां, जय गंगे मां। चलो जी बस आ जा, आ जा। उल्टा अच्छा लग रहा है। मैंने तो 4-5 डुबकियां ले ली। हां जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बड़े सालों बाद डुबकियां ली। मजा आया एकदम फ्रेश। एंड कहते हैं गंगा जी में आप जोन से वेदर में चले जाओ आपकी तबीयत को कुछ नहीं होगा। एक बंदा तो हम भूल ही गए, हमारी शेरनी आई थी वो भैया भी, असली हमारी सख्त लॉन्डी। देखो इसको पता ना कैमरा आ गया, ओवर एक्टिंग कुछ तो जा। डुबकी लगाने लेंस पहन के। ओए 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 ओए। ब्रेकफास्ट हो गया, गंगा जी में स्नान हो गया, पूल रह गया। बहुत अच्छा लोकेशन है ना, पूल और गंगा जी। तो बिग थम्स अप टू पीलीभीत हाउस एंड भाई स्टाफ, जेन्युइनली स्पॉन्सर्ड हो या ना हो, इतना ज्यादा स्वीट स्टाफ। अगर आप डिटॉक्स चाहते हो ना आप यहाँ आ सकते हो भाई। इट इज अ प्योर वेजिटेरियन होटल, नो अल्कोहल। यहाँ पे आपको मन की शांति मिलती। पीछे का व्यू देखो यार, इतना ज्यादा प्यारा लगा। मम्मी ने बताया कोई सब्सक्राइबर है हमारा, बाहर वेट कर रहा है। मम्मी ने बोला नहीं अंदर आ जाओ, तो अंदर आ जाते हैं। बढ़िया, तो अंदर क्यों नहीं आए? मैं हमेशा ना एक लोकेशन की स्टोरीज तब डालता जब मैं वहां से निकल के आता हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स मिल लिए, काफी अच्छा लगा। फ्री का खाना नहीं छोड़ेंगे लास्ट वाला भी। 2 बजा दिए तो भूख लग रही है। जाते जाते एक डिपार्चर रिचुअल भी होता है पीलीभीत हाउस। थैंक यू। इस पे दही और गुड़ दिया जाता है। ट्रिप हमारा आधा खत्म हो चुका है, एक हमारे गेस्ट जा रहे हैं। गाड़ी क्या तुम्हारी? हम जा रहे हैं ऐसे ऋषिकेश पहाड़ों में। इसकी एक्चुअली एक फ्रेंड की शादी है, कॉलेज के फ्रेंड्स का रियूनियन है। बता देना। परसों एक नोट भी छोड़ के गया भाई, बहुत ही अच्छा लगा। निकलने का टाइम आ चुका है। ओए होए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच सर। कैसे जाइए सर, जल्द वापस आइए। हरिद्वार की तंग गलियों में आपका स्वागत है भाई। अभी ये बस 360 डिग्री हमें बचा दे। लेफ्ट में भाई साहब, यार लेफ्ट में भाई, दिल में ऐसा भट भट भट। बहुत ही ज्यादा सिंपल अच्छा शहर लगा, आराम से लोग रहते हैं यहाँ पे। वापस जाने का टाइम आ चुका है, यहाँ से दिखा रहा है घर 5 घंटे 8 मिनट। मैंने ना पिछला व्लॉग डाला था, काफी लोग मेरे से बोल रहे थे 0 to 200 प्रॉपर करो। देखो एक चीज सुन, अगर मुझे तुमने एक गाड़ी नहीं चलानी थी ना आप आगे, मैं अगले रोड ट्रिप पे नहीं आ रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के, मतलब अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। इसको ना मजाक में मत लो। कौन सा, गाड़ी चलाने का या गर्लफ्रेंड का? दोनों का, गाड़ी का ज्यादा जरूरी है। नाना जी के शहर से वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा शहर है। बड़े मेरे को लोग बड़े अच्छे लगे। बाहर दुनिया देखते हो तब आपको लगता है कि कितना सहनशीलता है यहाँ पे लोगों में। उसका कारण जैसे तुम्हारी इतनी सारी चोटें लगी हैं ना, तो मेरी भी थोड़ी बहुत ही चोटें लगी हैं। मेरे ना यहाँ पे भी परमानेंट स्टिचेस हैं, यहाँ पे भी मेरे स्टिचेस हैं। ये बड़ा खतरनाक चोट थी, जहाँ पे हम रहते थे कंखल में, उसके पास ही कैनाल था, तो उसमें हम लोग जाके नहाते थे। निकलते निकलते स्लिप हो गया पैर, तो सिर पे लगा था, सिर पे काफी स्टिचेस आए थे। फिर आपकी दादी घर में नहीं, तो मासी जी जो है वो रिक्शा पे बिठा के लेके गए, तो खून निकल रहा था। तो ये बाल उसके कारण कम हो गया पॉसिबल। मेरे भी ना यहाँ पे कील घुस गया था एकदम सर में, पता नहीं फोकस, दरवाजा लगा, दरवाजे में कील था और पूरा चिपक गया दरवाजा। पैर भी तेरा नंबर प्लेट से कट गया था, तो 001 के पीछे भागता। नंबर प्लेट से याद आया गाइस, गाड़ी पे क्या नंबर लेना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। गुड मॉर्निंग गाइस, पापा कैसे लगा? गुड मॉर्निंग होगी। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ पीछे से इंजन के साथ आवाज भी आती है, गर्दन घुमा दी मेरी सारी। जब भी हम इसके बाद कोई M वाली गाड़ी लेंगे उसमें मम्मी को बिठाएंगे तो क्या हो, समझ रहे हो? ने मेरे को मत बिठाना, अगला बर्थडे आ रहा है यार। 365 डेज टू गो। डैडी ने तो हाथ जोड़ ली भाई, मुझे लगता है इसने घुसा दी कहीं अंदर। बैठ
बायोशेड ट्रैक्टर एकदम रॉन्ग साइड आ रहा था और इस कर्नल साहब ने जूते पहन लिए। मुझे पता क्या होने वाला है, इनको वॉशरूम आने वाला है ना, पापा सुसु जा रहे ना। पापा यार ऐसे मत करो यार भाई, पापा दरवाजा गाड़ी उतार तू। पापा पन्नी नहीं, पापा पन्नी नहीं, पापा पन्नी नहीं, फिर फटाफट पापा पन्नी नहीं, पापा ये क्या कर दिया भाई। अब लग रही है प्यारी, थैंक्स डैडी, मेरे में हिम्मत नहीं होती उतारने की, आपने उतार दी। चलो गाड़ी रोको, फर्स्ट ड्राइव कर्नल साइकिल करने वाले हैं। गाड़ी बगा भाई, चले इनको छोड़। बाय बाय डैडी, आगे फिर से बहुत काम करवाने हैं। यार ब्यूटी लग रही है कर्नल साहब की, फर्स्ट ड्राइव वाला आगे इनकी तरफ चल के। कैसा लग रहा है बताता हूँ। डैडी ने एकदम सही टाइम पे ले लिया है, स्ट्रेट एक्सप्रेस वे खैच चुम खैच जा सकते हैं। आते टाइम हम सिटी से आए थे, वापसी में हम पूरा हाईवे से पकड़े। स्पोर्ट्स मोड का है, स्पोर्ट मोड लगा यार तू। अच्छा, ये तो है तो सही लग गया। गियर सिस्टम भी तो लगाना, कहाँ कैसे लगाना, पहले अब इस पे चला लो फिर तू लगा पहले यार। डर लग रहा है भाई। मुझे आते टाइम ऐसी सड़क क्यों नहीं मिली। आराम से चला लो, आराम से चला रहा भाई। आराम से, मम्मी बोलो पापा यार, आराम से चला लो पापा। मुझे लग रहा हम जयपुर पे टेस्टिंग करेंगे तो पहले ही कर रहे हैं सारी। भाई पापा 120 पे कर्व काट रहे हैं, गाड़ी इतनी ज्यादा स्मूथ। 185 पहुंच गए भाई। आराम से भाई। गाइस टेंपरेरी गाड़ी को भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं कैमरा पे कैसा आया होगा भाई साहब। 250 पापा ब्रेक लगा दो, अभी सर्विस पैकेज नहीं खरीदा, ब्रेक है बहुत जल्दी खिंचती है इसकी। मजा आ गया, मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा, पता चल रहा था हम 200 पे। हाँ जी पता चल रहा था। आपको पता चल रहा था भाई, ये सड़क बहुत अच्छी है यार। भाई हम बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो रहे थे, ये तो पूरा ऑफ रोड सेक्शन आ गया, ये सड़क शायद बनी नहीं अभी तक, बट ठीक है हमें क्या टेंशन है। एयर सस्पेंशन मैंने मैक्सिमम हाइट पे कर दिया और अब हम बढ़िया यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई क्रेजी गड्ढे है यहाँ भाई, गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं बता रहा हूँ आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगता था कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस है, ऑफ रोड कुछ नहीं है। बहुत टूटा हुआ पैच है फिर भी मक्खन की तरह चल। भाई ये तो सच्ची में पूरा ही ऑफ रोड है। रुको रुको ब्रेक मारो, हाइट बढ़ने दो, अभी बड़ी नहीं है। नीचे कैमरा नहीं है? नहीं नहीं, अगली बार इनको ना नीचे भी लगाएंगे। तो भाई भाई जीएलई में ना नीचे कैमरा आता है। जल्दी स्पोर्ट मोड पे डाल, चलो डाल। गैस पानीपत यहाँ से 5 किलोमीटर। लुधियाना तो नहीं ले जा रहा है? लुधियाना कहाँ से आ गया? तो पानीपत से राइट लुधियाना। रिति के वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, उसके दादू का बर्थडे पार्टी है तो मैंने जाना था। हम भी चल सकते हैं, वी कैन सेलिब्रेट। प्लान यही था कि केएमपी से एक गाड़ी घर से आएगी पापा को बीच रास्ते लेने और वहाँ से मैं राइट मुड़ जाऊंगा पंजाब के लिए और पापा मैं मुड़ जाएंगे लेफ्ट। भाई एक और ऑफ रोड हमें लेना पड़ा है बिकॉज वहाँ पे ना रास्ते बंद करे हुए हैं, ये सीधा शामली बॉर्डर है। भाई साहब यार यहाँ से कैसे चढ़ेंगे, ये तो ऑफ रोड एक्सट्रीम टेस्ट हो गए। आज ऊपर चढ़ाएंगे यहाँ से चढ़ाएंगे भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं कैमरा पे कैसा आया होगा। गाड़ी मैंने मैक्सिमम हाइट पे सेट कर दी है, बहुत ज्यादा हाइट हो। ये तो मक्खन की तरह चढ़ गई है। 315 विड्थ का टायर भाई, यूं चढ़ता है ऐसे मक्खन, ये देखो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। मैं पापा को कहता आप चला के देख ले, पापा कहते नहीं नहीं मेरे से चढ़ेगी, मैंने पंजाब इन दिया अपने आप चढ़ रही थी ऐसे। दूसरा टायर तो थोड़ा सा हवा में उठा हुआ था। आप लोग कह रहे थे ना अच्छे से टेस्टिंग कर लो, लो हो गई यार, स्पीड टेस्ट भी हो गया, ऑफ रोड टेस्ट भी हो गया। जानबूझ के तो नहीं लाए यहाँ से? नहीं नहीं भाई, वो अंडर कंस्ट्रक्शन पैच है तो उसके कारण ऑफ रोड भी करने को मिल रहा है एंड एकदम खेतों के साथ। भाई और क्या चाहिए, थोड़े दिनों में ये हाईवे पूरे पूरे इंडिया में बन जाएंगे, फिर आपको कहाँ मिलेगा ऐसा मौका करने का। सही बात, सीरियस ऑफ रोड तगड़ी, मजा आया। चेक करो, लग रहा सामने वाले ने गाड़ी खेत में ही घुसा दी। डैडी चलो रुक जा, डैडी कह रहे हैं जान बूझ के ये गाड़ी मुझे देता है, मुझे पंगे में डाल देते हैं। आज तो सुपर एडवेंचर हो रहा है, ये आगे जगह को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, आपको दिखाता हूँ क्यों। भाई वहाँ पे आगे दलदल का पानी, अब मुड़ गए से देख के आ लो कितना बड़ा दलदल है। इसका नहीं पता है कितनी गहरी हो, यहाँ से तो निकल जाएगी। नहीं ये तो निकल जाएगी, वहाँ तक आके यहाँ निकल जाएगी, तो ले आओगे यहाँ चढ़ जाएगी, हमारा तो दिक्कत बन नहीं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी, राइट राइट साइड ट्रैक्शन बहुत है। हाँ भाई क्या कह रहा भाई,
चल आगे कर गाड़ी, सारे मेरे पैर ही गंदे हो गए। क्या कहना चाहोगे सिद्धार्थ? तो ये हम मिल चुके हैं दिल्ली अमृतसर वाले हाईवे पे। अमृतसर सुन के मम्मी कुछ अमृतसर तो एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप लोग हरिद्वार जाते हो, अगर आप दिल्ली रहते हो तो ठीक है आप गाजियाबाद वाली साइड से जाओ, बट अगर आप गुड़गांव रहते हो भाई आप सोनीपत की तरफ आओ। सोनीपत से एक रास्ता जाता है जो नया एकदम एक्सप्रेस वे, जिसके आपने शॉर्ट्स देखे होंगे। हमें अपने घर से 5 घंटे लगे थे जाने में एंड अभी हमें सिर्फ 2.25 घंटे हुए निकले हुए एंड यहाँ से घर 2 घंटे दिखा रहे। आई थिंक 1.5 घंटे में यहाँ से घर पहुंचे, जो 5 घंटे लगते वो 3.5 घंटे में गुड़गांव से हम हरिद्वार कर लेंगे। काश जब मैं जवान था तब मैं हरिद्वार 3.5 घंटे में पहुंच पाता हूँ। तब तो पापा को बड़ी नदियाँ पार झरने पार करने पड़ते थे एंड अभी तो हमने भाई टूटा हुआ रास्ता लिया था जो हमारी एक्स भाई। मुझे प्राउड वाली फीलिंग आ रही है अपनी इस गाड़ी पे, मुझे लगा था कि यार परफॉर्मेंस वाली है, लद्दाख भी लेके जाएंगे इसको। 2.25 करोड़ की गाड़ी लद्दाख लेके जाओगे? डैडी आप देख रहे हो ये गाड़ी ना पूरा इंडिया देखेगी, मेरे को साथ लेके जाएगा। गाइस टेम्पररी गाड़ी को तो वैसे ही नहीं रोक सकते, देखो भीड़ देखो क्यों चलाते हो इतनी तेज। हम इतनी तेज चलाते हैं हमें तो कोई नहीं रोकता, कंटेंट की हमें जरूरत है। मेरा सर ठीक हो गया। चलो यार हटो। नहीं, नहीं यार। पागल है, कल तूने चलानी नहीं गाड़ी? पापा लोग देख रहे। ये क्या मतलब हुआ? लोग देख रहे हैं यार तो? पीछे क्या? अम्मा चलो आगे जाओ, मैं पीछे बैठ के एंजॉय करूँ। अरे भाई भाई की पार्टी चल रही है, जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी ले लो भाई जगह ही नहीं मिलती। देन भाई जगह बहुत ज्यादा है, ये देखो इतनी नीरू में थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, प्रॉब्लम है जो ई क्लास में मिस होती है भाई, रिक्लाइन नहीं होती सीट। ऐसी कुछ नाइट लुक आ रही है भाई X5 से एंड ऐसा कुछ भाई पीछे बैठ के व्लॉग हो सकता है अगर हम रात की लाइटें ऑन कर दे, बहुत ही ज्यादा सही है। हाँ मैं ई क्लास मिस कर रहा हूँ, ई क्लास में थोड़ा रिक्लाइन मिलता था और ये एंड ई क्लास जमीन से होती थी तो झूलती कम थी, बट अगर मैंने ज्यादा टाइम आगे बैठता मुझे तो भाई आगे की सीट एकदम परफेक्ट लगती है। कैसा लग रहा है आगे बैठ के? सही है कि आपने ब्लॉग करना, पीछे बैठो मेरे पापा आगे बैठेंगे। ये हमारे प्यार वाले तोते आगे चलते रहे। 7:30 बज गए हम पहुंच गए, आधे घंटे का हमने ब्रेक लिया था बट टोटल टाइम जितना गाड़ी ने लगाया है भाई। तो इसका मेन्यू इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ पता ही नहीं चलता। इन्फो व्हीकल 300 किलोमीटर हमने करा है 4.5 आवर्स में और एवरेज दिए गाड़ी ने अप्रोक्सीमेटली 8.5 के। पता चल रहा है ना गाड़ी ऑफ रोड करके आई और एडवेंचर हुआ भाई आज के दिन। मैं बता कल मिलते हैं, कल मुझे चंडीगढ़ नहीं करना है, वैसे तो वो लोग फ्लाइट दे रहे हैं और कैब दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार कैसे जाया जाए, आप लोग बताओ हमें कैसे जाना चाहिए। तो हरिद्वार के व्लॉग लाइव जा चुके हैं एंड कल भाई हमें निकलना है चंडीगढ़। तो सामान हमने आज सच कुछ अनपैकिंग अभी तक हमने करी नहीं है, पिछला भी एक सूटकेस पड़ा है ये भी ऐसे ही पड़ा है एंड कल भी हमें निकलना है एक स्पेशल चीज के लिए जो आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में। चंडीगढ़ जा रहे हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे। हम करेंगे आज का व्लॉग एंड आई होप गाइस लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोग पता चलेगा नेक्स्ट लोगों को लाइव। आज नेक्स्ट वीडियो।